नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आखिरकार नए साल में भारत को कोरोना का टीका मिल गया। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एस्ट्राजेनेका और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साझा प्रयासों से तैयार टीके कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी। इस टीके की खूबी यह है कि इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जा सकता है। ब्रिटेन में भी 2 दिन पहले ही इस टीके को मंजूरी मिली है। पिछला पूरा साल जिस तरह से महामारी के साए में गुजरा, उसमें उम्मीद ही एकमात्र किरण इसका कारगर टीका ही थी। सब कुछ इसी संभावना पर टीका था कि जब तक कोरोना का टीका नहीं आ जाता, तब तक सिर्फ बचाव के उपायों से ही संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। महामारी की दस्तक के साथ ही दुनिया भर के वैज्ञानिक और चिकित्सक इसके टीके और दवा की खोज में जुटे, और कुछ ही महीनों में कई देशों ने टीके तैयार कर लेने का दावा किया। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों में तैयार टीकों का कई देशों में परीक्षण पूरा हो चुका है और इनके इस्तेमाल की दिशा में बढ़ा जा रहा है। भारत भी दुनिया के उन अग्रणी देशों में रहा जिन्होंने टीका विकसित करने के काम को एक चुनौती के रूप में लिया, और सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक सहित कुछ कंपनियों ने टीके तैयार किए। पिछले दिनों इन कंपनियों सहित अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी DGCI के समक्ष के अपने टीकों के आपात इस्तेमाल की इजाज़त मांगी थी। भारत की आबादी को देखते हुए टीकाकरण का एक तरह का महाअभियान है। कुछ ही महीनों में करोड़ों लोगों को इसकी खुराक दी जानी है। सबसे पहले किसे दिया जाए, इसे लेकर भी प्राथमिकता तय हो चुकी है। कोरोना महामारी से निपटने में स्वास्थ्य कर्मियों व बुजुर्गों को सबसे पहले इसे दिया जाना है। सीरम ने इस महीने 10 करोड़ खुराक का उत्पादन कर
लेने की तैयारी कर ली है। टीकाकरण को लेकर अब तक जिस तरह की तैयारियां हुई हैं और पिछले हफ्ते जिस तरह से इसके प्रयोग को लेकर पूर्वाभ्यास हुए, उससे तो लग रहा है भारत इस काम को बखूबी पूरा कर ले जाएगा। यह तो तय था कि जल्द ही टीका उपलब्ध होगा, लेकिन बड़ी चुनौती यह थी कि इसे देश भर में सुरक्षित रूप से जरूरतमंदों तक पहुंचाया कैसे जाएगा। टीके की आपूर्ति और भंडारण सहित सारी तैयारियां समय से पूरी कर ली गई और इसे देश के हर राज्य तक पहुंचाने के लिए वायुसेना को भी सतर्क रखा गया है। कोरोना को हराने के लिए प्रधानमंत्री शुरू से ही बचाव के उपायों पर जोर देते रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि टीका आ जाने और लग जाने के बाद भी सुरक्षित दूरी और मास्क लगाने जैसे उपाय ही लोगों को महामारी बचाएंगे और इनकी अनदेखी हमें फिर से गंभीर संकट में डाल सकती है। परीक्षण के दौरान कुछ टीकों के नतीजे संतोषजनक न मिलने की बातें भी सामने आई। इससे टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में थोड़ा डर भी बना, इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी टीकाकरण को लेकर अफवाहों से बचने और बचाव के उपायों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया है। हालांकि टीके वर्षों के लंबे प्रयोगों और परीक्षणों से गुजरने के बाद ही उपयोग के लिए बाजार में लाए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने संपूर्ण मानकों के तहत जितने कम वक्त में कोरोना के टीके तैयार किए, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। ऐसे में टीकाकरण को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त जन भागीदारी से इस अभियान सफल बनाकर हम महामारी को हरा सकते हैं। महानगरों में सड़कों पर किसी मामूली बात पर दो लोगों में होने वाली झड़प के हिंसक टकराव या हत्या तक में तब्दील हो जाने की खबरें अक्सर आती हैं। गनीमत यह है कि कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो अब तक किशोरों के बीच इस छोटे मोटे झगड़ों के अलावा किसी गंभीर प्रवृत्ति के रूप में नहीं देखा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के एक स्कूल में जैसी घटना सामने आई है, वह सबके लिए एक तरह की चेतावनी है कि अगर विकास के सवालों में से सामाजिक व्यवहार समाज में पलती बढ़ती
कुंठाओं और हताशा की वजहों को दरकिनार किया गया तो उसके अंजाम गंभीर हो सकते हैं। बुलंदशहर के एक स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने ही सहपाठी की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी कि सीट पर बैठने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। इस घटना से एक छात्र इतना बेलगाम हो गया कि अगले दिन वह अपने फौजी चाचा की लाइसेंस पिस्तौल बैग में छिपा कर ले आया और चलती कक्षा के बीच सहपाठी को गोली मार दी। हो सकता है कि इसे किसी आम घटना की तरह नहीं देखा जाए और किशोर न्याय प्रणाली के तहत कार्रवाई का आधार आरोपी का नाबालिग होना बने। अपराध के लिए निर्धारित सजा किशोर को भुगतना होगा। समाप्त।